इंसान हूँ। कीमत वाली इंसान मतलब? मतलब बहुत दामी लड़की है आप, तो उससे पता चलता है आपको। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, थोड़ा सा आप बताइए। नहीं, देखने में तो हमारा जैसे गाना बजाने का जो आदमी है, हाँ, वो हमेशा आपकी तरह रहता है। अच्छा, ऐसे सुरमा लगा के, सुरमा लगा के अच्छा रहता है। हाँ हाँ, पूरा मेकअप करके, मेकअप करके। और आपका जो जो खूबसूरत आपके जो बाल है, खूबसूरत जो चेहरे है भगवान ने आपको दिया है, वो आपको हमेशा संभाल के रखना चाहिए। अच्छा, बाल तो झड़ते हैं पानी की वजह से। अच्छा ठीक है दादा, ये आप हमेशा ऐसा हमेशा याद रखिए, हाँ, कि आपके पास 10 करोड़ 15 करोड़ रुपया है, हाँ, मान लो, हाँ, है, मगर आपकी खूबसूरती नहीं है, हाँ, इस 10-15 करोड़ का रुपया का कोई कीमत नहीं है बाजार में। दादा मेरे पास 10-15 करोड़ रुपए नहीं है। एनी भी आप बहुत अच्छा सा गाना सुनाना चाहते थे, सुनाइए, क्या सुनाना चाहेंगे? आप यहीं से हैं, अगरतला से? हाँ, अगरतला। अच्छा, पूरे यहीं अगरतला, अगरतला के का मैं सिंगर हूँ। सिंगर हैं आप यहाँ के? वेरी गुड। यहाँ पर जो कहाँ गाते हैं आप? ऑडिटोरियम में गाते हैं। ऑडिटोरियम में गाते हैं और कभी कभी शादी में भी गा लेते हैं। अरे बस सुनाइए फिर, कौन सा अच्छा सा हिंदी गाना सुनाइए, आप क्या सुनाना चाहेंगे? अच्छा सा हिंदी गाना कौन सा सुना? पल पल दिल की पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहते हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। बहुत अच्छा गाना गाते हैं भैया, बहुत अच्छा गाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत देर से हमारा न्यूज सुन रहे थे और इतना सुंदर गाना हमारे दर्शकों को सुनाने के लिए सुना, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। मंच पर मौजूद आदरणीय एस प्रकाश जी, कुलजीत कौर मैम और यहाँ पर उपस्थित सारे प्यारे युवा साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगी। आप जिस कॉलेज का इस वक्त हिस्सा हैं, यहाँ पर पढ़ाई करना एक सपने के पूरे होने जैसा है, तो अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें, क्योंकि इस देश के करोड़ों ऐसे लोग हैं, करोड़ों ऐसे आपके उम्र के लोग जिनके बीच आपको ये उपलब्धि मिली है कि आप इतने हिंदुस्तान के बड़े कॉलेज का हिस्सा हैं। तो मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के बीच आकर यहाँ पर मौजूद रहकर। और मुझे बताया गया है कि थोड़ा मैं अपनी जिंदगी के बारे में बताऊंगी कि मैं कैसे यहां तक पहुंची और फिर आप लोगों के सवाल जवाब होंगे। तो संक्षिप्त परिचय हो ही चुका है, मैं शुरुआत कर लेती हूं। साल 2006 में गोरखपुर के एक लोकल चैनल में न्यूज एंकर के तौर पर मैंने शुरुआत की थी और गोरखपुर दूरदर्शन में कृषि दर्शन एक प्रोग्राम आता था किसानों के ऊपर, वो करती थी और उस समय मैं स्टूडेंट भी थी गोरखपुर यूनिवर्सिटी की। बस न्यूज चैनल ज्वाइन करने का मकसद एकमात्र इतना था कि मेरी जो गाड़ी है उसका पेट्रोल का पैसा निकल आए। कोई मीडिया का इतना बड़ा सपना नहीं था, मैं आज तक मैं काम करूंगी। छोटे शहरों के बच्चे इतने बड़े सपने नहीं देखते हैं, मैं आपको सच बता रही हूं। आज के भी हिंदुस्तान में और जब इसके पहले आज के 17-18 साल पहले जाएंगे जब मैंने शुरुआत की थी उस वक्त भी, तो बस ये था कि अच्छा गाड़ी के पेट्रोल का पैसा निकल रहा है और पढ़ाई चल रही है अच्छे से। फिर जब मैं अच्छा करने लगी, लोगों की तारीफ आने लगी कि तुम अच्छा बोलती हो, अच्छा करो इसमें, डिफेंस स्टडीज में मैंने एडमिशन लिया। लेकिन उसके पहले मैं दिल्ली आई हुई थी दिल्ली में जर्नलिज्म का कोर्स करने के लिए। एक जगह मैंने एग्जाम दिया, उसमें एंट्रेंस एग्जाम में पास कर गई, लेकिन जब उसके फीस का स्ट्रक्चर मेरे हाथ में आया तो मैं सोच रही थी कि यार इतना फीस है, क्या मैं पे करूं या मुझे लग रहा है कि गोरखपुर से पढ़ाई कर लूं, डिफेंस से अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं। फिर मैंने तय किया, चूंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी तो उस समय मुझे लगा कि नहीं ये बहुत ज्यादा पैसा है, मैं इसको नहीं पे कर सकती और मेरी शादी के लिए पैसे रखे हुए वो खत्म हो जाएंगे तो शादी कैसे होगी। इस चक्कर में मैंने वो पैसे नहीं निकाले और फिर मैंने गोरखपुर से डिफेंस स्टडीज से एमए किया। मैंने मीडिया में कोई पढ़ाई नहीं की है, कभी जरूरत भी नहीं पड़ी, आज भी मैंने मीडिया की कोई भी ऐसी प्रोफेशनल पढ़ाई नहीं की है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते करते फिर मैंने डिफेंस स्टडीज में गोरखपुर यूनिवर्सिटी टॉप किया था, ये साल 2007 की बात है। होता क्या है, आप कोई भी काम करें
उसको पूरे दिल से करना जरूरी है। आप क्या काम कर रहे हैं ये उतना ही इम्पोर्टेंस देता है जितना कि आपका मन। उसको पूरे दिल से करना जरूरी है। आप क्या काम कर रहे हैं ये उतना ही इम्पोर्टेंस देता है जितना कि आपका मन उसमें कितना लग रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ सब्जेक्ट हमें बहुत बोझिल लगते हैं, हमें समझ में नहीं आता बट मजबूरी में पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब आप अपने करियर के लिए ख्वाब देखें तो हमेशा ये देखें कि आपको क्या अच्छा लगता है। फिर डिफेंस स्टडीज में टॉप कर लिया, गोरखपुर वहां पे लोकल चैनल में मेरा काम अच्छा चल ही रहा था। फिर एक दिन अचानक से मेरी यूनिवर्सिटी से, हमारे एक प्रोफेसर हर्ष सिन्हा हैं, उनका मेरे पास फोन आता है। और टीचर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है मैम, इस बात को आप समझेंगी। मैं अभी यूनिवर्सिटी से घर गई ही थी, उनका फोन आया कि चित्रा, ईटीवी हैदराबाद के लिए एक आर्टिकल आया हुआ है, तुमने देखा क्या आज अखबार में? तो मैंने देखा नहीं था उस समय तक। फिर उन्होंने कहा कि तुम अपना एक रिज्यूम उसमें डाल दो, अपना एक डीवीडी डाल देना। फिर अभी मैं थक हार के यूनिवर्सिटी से घर गई ही थी, लेकिन चूंकि प्रोफेसर मैं उनको बहुत पसंद करती थी, वो जैसे एक होता है ना कि आपके जीवन में कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करें। मुझे पूरी उम्मीद है मंच पर मौजूद और यहाँ पर इस सभागार में जो लोग भी होंगे वो भी ऐसा सोच रहे होंगे, उनका रोल बहुत बड़ा होता है। उनके कहने पर फिर मैंने ईटीवी हैदराबाद के लिए अपना रिज्यूम जाके सेंड कर लिया, आई गई बात खत्म हो गई। एक दिन फोन आया मेरे पास कि यूपी ईटीवी के लिए तो खत्म हो चुका है, हमने एंकर सेलेक्ट कर लिया है, बट हमारे पास बिहार का ऑप्शन है, क्या आप बिहार के लिए काम करना चाहेंगी? बट रहना हैदराबाद में ही होगा। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा, मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, रहना हैदराबाद में है तो चली जाती हूँ, कोई बात नहीं, आगे और मेहनत करूंगी तो हो सकता है यूपी के लिए हो जाए। लेकिन अब कल वहां पे इंटरव्यू है, आज मेरे पास फोन आ रहा है कि पटना में जाके आपको इंटरव्यू देना है। अब ना मेरे पास ट्रेन का टिकट है, ना कुछ, आप कैसे जाओगे गोरखपुर से पटना? फिर मैंने कहा यार जाना तो है, कुछ भी हो जाए, अगर मैं गोरखपुर छोड़ देती हूँ, क्योंकि गोरखपुर आज भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर हो, वहाँ पर बहुत कामकाज भी हो रहा है। मैं आपको सच बताऊँ, पहले के गोरखपुर में आज के गोरखपुर में बहुत बड़ा बदलाव आया है। लेकिन आज के 16-17 साल पहले वो गोरखपुर नहीं था, वो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था जहाँ पर हर चीज़ के लिए हमें संघर्ष करना था। फिर ये हुआ कि जाना है, फिर हमने टिकट खरीदा, मैंने कहा टीटी से बात करके चली जाऊंगी किसी भी तरह, लेकिन जाना है। तो फिर इस तरह से जैसे जुगाड़ वाला काम करते हैं वो करके मैं जैसे तैसे पटना पहुंची, फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि बिहार की बजाय, चूंकि अभी मेरी शुरुआत ही थी और ये लगता था कि जब मैं एंकरिंग करूँ हैदराबाद में, मम्मी पापा देखेंगे घर पर तो थोड़ा अच्छा लगेगा, तो इस चक्कर में मैं यूपी के लिए बहुत कि प्लीज़ मुझे यूपी में ले लीजिए, मेरे मम्मी पापा कैसे देखेंगे बिहार का चैनल, वो तो पटना में आता है। तो फाइनली मेरा ईटीवी यूपी के लिए सिलेक्शन हो गया, मैं हैदराबाद चली गई, 11 महीने मैंने वहां पे काम किए, फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि बिहार की बजाय, चूंकि अभी मेरी शुरुआत ही थी और ये लगता था कि जब मैं एंकरिंग करूं हैदराबाद में, मम्मी पापा देखेंगे घर पे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, तो इस चक्कर में मैं यूपी के लिए बहुत कि प्लीज मुझे यूपी में ले लीजिए, मेरे मम्मी पापा कैसे देखेंगे बिहार का चैनल, वो तो पटना में आता है। तो फाइनली मेरा ईटीवी यूपी के लिए सिलेक्शन हो गया, मैं हैदराबाद चली गई, 11 महीने मैंने वहां पे काम किए, मुझे बहुत मौका भी मिला। 2007 का यूपी इलेक्शन में बहुत नई एंकर थी, उसके बावजूद मुझे वहां पर उसमें बड़े एंकर्स में मुझे शामिल करके कवरेज का मौका मिला। उसके बाद फिर मैं आ गई न्यूज़ 24 के बाद मैं सहारा गई, उसके बाद सहारा के बाद मैंने ज्वाइन किया इंडिया न्यूज़, फिर मैं ABP न्यूज़ में रही और अभी मैं आज तक का चेहरा हूँ। लेकिन यहाँ तक का जो संघर्ष है, देखिए ये कहानी मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, आपके पास एक अच्छा कॉलेज है, आपके पास बहुत बड़ा मौका है, आपने वो मुश्किलें नहीं देखी शायद जो छोटे से चैनल से, आप सोचो वो लोकल चैनल जिसमें कंप्यूटर में लिखा रहता था और बहुत मुश्किल से दूर से उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। जितना बड़ा ये हॉल है, इसको अगर हम 10 भागों में बांट दें तो उनमें से एक भाग को आप ले सकते हैं कि जो मेरा गोरखपुर के लोकल चैनल का स्टूडियो था, तो वहां से निकल के मैं आज तक में हूँ देश का जो सर्वश्रेष्ठ चैनल है। तो ये मेरा सफर रहा है, लेकिन इस सफर के दरमियान कुछ ऐसी चीजें हैं।